हेलो बच्चा पार्टी, आई एम शैलेश कुमार फ्रॉम SKC हजारीबाग। आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ RS अग्रवाल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स के लिए पेज नंबर 552 एंड दिस इज एग्जांपल नंबर 10 व्हिच स्टेट दैट इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ राइट एंगल एट बी इफ एंगल A इज इक्वल टू 30 एंड AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फाइंड BC एंड AC। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC व्हिच इज़ राइट एंगल एट B, बी पे जो 90 डिग्री है, जिसमें कि AB दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर है एंड एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री है, और हम लोग को फाइंड करना है फर्स्ट में BC इज इक्वल टू व्हाट, BC कितना लंबा होगा, और सेकेंड में फाइंड करना है AC विच इज़ हाइपोटेनस एंड BC इज़ परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल C। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC में BC को हमको फाइंड आउट करना है। वी हैव एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सो टैन, अब देखिए हमें निकालना है, देखा जाए तो BC और वो एंगल A के हिसाब से है परपेंडिकुलर, ठीक है, और हम लोग को दिया हुआ है क्या एंगल A का वैल्यू और बेस दिया हुआ है, ठीक है। अब बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन देता है, टैन थीटा, ठीक है, और ये एंगल कितना हुआ 30, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ टैन थीटा की जगह यहाँ पर 30 डिग्री है, तो टैन थीटा टैन 30 मतलब इसके हिसाब से, तो टैन 30 इज इक्वल टू हो जाएगा BC बाय AB। ये BC क्या है परपेंडिकुलर और AB क्या है बेस, ठीक है। अब टैन 30 क्यों लिया मैंने, ये तो आप जान गए होंगे, ठीक है, कि टैन ही क्यों लिया। अब टैन 30 का आप अगर टेबल में देखेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो आपको मिलेगा टैन 30 का वैल्यू 1:1√3। BC जो कि निकालना है हमें, AB दिया हुआ है 9 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 BC हो जाएगा और 9:1 यानी कि 9 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं हम लोग, तो BC ये इनटू में था, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग को रैशनलाइजेशन करना है, जो कि आप क्लास 9th में पढ़े हैं, ठीक है, तो BC को जितना डिनोमिनेटर में रहता है उससे इनटू कर देते हैं, तो √3 है, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी सेम चीज़ से, दैट इज़ √3 से। ये ऊपर जब होगा तो 9√3 हो जाएगा, और √3 हो जाएगा हमारा 3। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 9, और BC इज इक्वल टू फाइनली आ जाएगा 3√3, और ये सारा चीज़ देखा जाए तो सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें पूछा गया है AC क्या होगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, AC क्या है, हम लोग को एंगल A दिया हुआ था, A के हिसाब से सोचना है, तो AC क्या है हाइपोटेनस है, दिया हुआ AB क्या है बेस है। अब आप ज़रा सोच के देखिए कि हमको इस हाइपोटेनस और बेस के विषय में, ठीक है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशन निकालता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा, जो कि हाइपोटेनस अपॉन बेस का देता है, ठीक है, रिलेशन। इसमें मैं चाहूँ तो AB, जिसका मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ 3√3, इसको भी यूज़ करते हुए बना सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये आंसर आपका फर्स्ट का अगर गलत हुआ, यानी ये गलत हुआ, तो आपका आगे भी गलत आएगा। जैसे मैं साइन यूज़ करते हुए भी बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता है, परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है, और परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन देता है, साइन थीटा, तो मैं वैसे भी यूज़ करते हुए बना सकता हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये आंसर मेरा गलत हो जाएगा, तो ये भी सेकेंड वाला पार्ट भी आंसर गलत आएगा, तो हमको वैसा ना करते हुए हम इसलिए सेक का कर रहे हैं, जो कि न्यू है। तो सेक 30 डिग्री मैंने लिया है, ठीक है, तो सेक क्यों लिया, क्योंकि हमको बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन जानना था, 30 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो नाउ सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस विच इज़ AC एंड बेस,
बेस क्या है ए बी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगा नहीं। उसके बाद सेक 30 का वैल्यू जो होता है आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल में, तो आपको मिलेगा 2√3, ये आपको देखना पड़ेगा बुक में कहीं से। उसके बाद ए सी के जगह पे ए सी लिखेंगे, ए बी के जगह पे 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हम क्या मिल जाएगा, √3 इंटू ए सी एंड 9 टू ज 18, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ए सी अब ये इंटू में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो अब √रेशनलाइजेशन करेंगे फिर से, तो सेम चीज़ से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटू कर देंगे, तो √3 से ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब ए सी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, तो गुना कर देंगे 18 √3 और √3 इंटू √3 विच विल बिकम 3, और 3 के टेबल से मैं ऐसे काट दूंगा और हम लोग को फिर फाइनली मिल जाएगा ए सी इज इक्वल टू 6 √3, ठीक है। एक बार ये पूरा दिखाना चाहूँगा मैं, ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर दी आपको अगर दी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन सिर्फ अच्छा लगा तब, नहीं तो नहीं करें।